हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह की बज रहे हैं 7:15। तो आज की सुबह हमारी फिर से हो रही है ट्रेन में। तो इस बार की जो ट्रेन है वो थोड़ी डिफरेंट है पहले वाले से। पहले वाली हमारी थी सेकंड एसी, इस बार हमारी थर्ड एसी है। और इसमें तीन है जो स्लीपर सीट्स है ना, वो तीन है। पिछली बार हमारे पास थे दो बर्थ, अपर और लोअर। इस बार हमारे पास है तीन बर्थ, अपर लोअर मिडल। और ये सबसे अनकंफर्टेबल वाला वो है मिडल वाला। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि हम लोगों को सारों को जो है मिडल और अपर मिला है। लोअर वाला बर्थ जब हम टिकट बुक कर रहे थे ना, तो सारे बुक हो गई थी तो मिली नहीं। तो मैं अभी दिखाती हूँ सारी कितने अनकम्फर्टेबली सोए हुए, खासकर मम्मी और नानी। और तो ऐसा शुक्र हुआ कि जो लोअर बर्थ वाले जो पैसेंजर थे वो आए नहीं, तो नानी और मामा जो है शिफ्ट हो गए नीचे। प्रीति और मैं तो हमने लिखा के लाया है ये पूरे जर्नी में कि हमने अपर वाले में ही सोना है। तो हम दोनों को ना सबसे अपर वाला बर्थ है। अभी मैं दिखाती हूँ। और इस वक्त हम लोग ना मध्य प्रदेश वाले एरिया में से गुजर रहे हैं। हमारा जो ये वाला टूर था वो सीधा नॉर्थ से हम जाएंगे साउथ तक ट्रेन में। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको इस वाले ट्रेन का जो है कैसा सिस्टम है। और जो सेकंड वाले एसी में तो कर्टन वगैरह लगे हुए थे, इसमें कुछ भी नहीं है। मामा जी जो है वो चाय पी रहे हैं। सुबह ही हो जाते हैं यहाँ पे लोग, चाय ले लो, चाय चाय चाय। फिर प्रीति, फिर मिडल में मम्मी, फिर उससे नीचे मामू और इधर नानी। बीच वाला खाली कर दिया, उसका जो सीट है वो लास्ट में है। और जो पिछले बार मामा जी का था, इस बार सेवांग का है। तो मैं आपको सेवांग के पास ले जाऊँगी, बट वो भी सोया हुआ है। यार ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है ना। शारी दूँ ना? हम लोग जो पहाड़ों से आते हैं ना, पहाड़ों से, तो उनके लिए जो ये वाला नज़ारा है ना वो मतलब बहुत सुंदर है। क्योंकि हमारे साइड ऐसे दिखने को नहीं मिलते इतने प्लेन जहाँ से हम आते हैं। और ये देखिए हमारे मन में से वाओ वाओ, हमें कैसे नहीं लग रहा कितना सुंदर है। गुड मॉर्निंग, कितना सोएगा, उठेगा नहीं, उठोगे नहीं। ये हमारी बीच धुंध, बहुत धुंध ही धुंध है इस वक्त। ये वाला हमारा सफर है, वो दो दिन का है। कितने तो हर कुछ ज़्यादा ही प्लेन है, पर रहे थे तो दूर दूर तक प्लेन ही। हमारे ब्रेकफास्ट में हमने मंगाया है पोहा। आई लव पोहा, यू लव पोहा टू। हमेशा दबा वाह यार, तो और भी सुंदर लग रहा है। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, पोहा और चाय। और ट्रेन में ना मतलब एक चलता फिरता दुकान है, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। चाय नमकीन ले लो, बिस्किट ले लो, कुरकुरे ले लो, समोसे ले लो। देखो बगान, पौने एक बजे हमारा लंच आ गया है। 600 रुपए दीजिए। ये है चिकन बिरयानी और ये है वेज बिरयानी। आज हमने खरीदा ये पेठा, स्वीट खाने की बहुत क्रेविंग होती है। यहाँ बोला ना, जैसे कि मैंने जो ट्रेन है वो चलता फिरता दुकान है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सामान खुद आपके पास आता है। और खाना इतना बेकार था यार, आज का खाना तो सच में बहुत बहुत बेकार था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अब पेठा खा के अपना मुंह सुधारते हैं। टेस्टी 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 लग रहा है। Mm.
तो इंस्टा में स्वीट खाने की क्रेविंग हो रही थी, मामूला डुडू ऐसा कुछ। हां अरे पास करो YouTube के लिए खाने के सब्सक्राइब करो, हमेशा देते रहो। मैंने बोला जैसे चलता फिरता दुकान तो आइसक्रीम हमारे पास घर खुद आ गया। मैं ब्लैक करंट खाऊंगी। ओह थैंक यू। ये आइए मेरा ब्लैक करंट है, देख के तो अच्छा लग रहा है। तो मैं खा रही हूँ ब्लैक करंट आइस। ब्लैक करंट के नाम पे मुझे ना वनीला वाला पकड़ा दिया। ऊपर का जो थोड़ा सा लेयर है वो ब्लैक करंट का जैम से डाल दिया, नीचे का जो फ्लेवर है वो वनीला है। अभी हम हैं नागपुर में, और नागपुर में संतरे ही संतरे होते हैं, तो यहाँ पे संतरे के दूर दूर तक बगीचे हैं संतरे के। ओ यार सच्ची में गुरु, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नागपुर स्टेशन। काफ़ी बड़ा है नागपुर स्टेशन भी। ओ परे पाओ यार कितना बड़ा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा सफ़र का ट्रेन में ही दूसरा दिन। चाय बस लेट लेट के सो सो के ही सफ़र करा जा रहा है। आज हम शाम तक पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारा सफ़र था दो रात दो दिन का, तो आज शाम को हम लोग बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। और आज तो शिवम भी जल्दी उठ के आ गया, वरना कल तो मैं इसको उठाने गई थी। और ट्रेन में दो तरह की चाय मिलती है, एक सिंपल चाय और एक मसाला चाय। तो आई लाइक मसाला वाली चाय जिसमें सब कुछ ही मिक्स होता है, जो सिंपल चाय वो बिल्कुल टेस्टलेस। हाँ ले लीजिए एक मिनट भैया। वाली चाय ना मसाला चाय, बेस्ट चाय, बेस्ट चाय। नीलगिरी की जंगल आज का हमारा ब्रेकफास्ट है ये ब्रेड और कटलेट। ब्रेड अच्छा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, कितना सुंदर है। साउथ रियली ब्यूटीफुल। जब बारिश होती है तो कितना प्रॉब्लम होता होगा ना, सारा भर के अंदर अंदर सुंदर है ना, कितना सुंदर है यार। पता हम लोग साउथ पहुंचे फाइनली, दूर दूर तक ना वो है सारे नारियल के पेड़। उस साइड देखो, आपके साइड मतलब जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है ना वहाँ वहाँ तक केले और उसके पेड़। दो दिन के सफर के बाद हमारी डेस्टिनेशन आने वाली है और वो इतनी सुंदर होने वाली है। ये है जी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कितना प्यारा लग रहा है यार, पत्थर देखो इतने बड़े बड़े सॉलिड रूम चंजल है। फाइनली 5 मिनट और पहुंच गए हम लोग, तो सारे वापस से अपने सामान जो बिखराए थे हमने ट्रेन में दो दिन से वो सब पैकिंग चेकिंग हो रही है। जूते जाते खोल के तो सारे जूते वगैरह पहन लो और सेट फॉर गो। सारे बैग बुक निकल गए, निकाल गए सारे बैग और सेट टू गो। इतनी खुशी हो रही है, दो दिन दो रात से कंटिन्यू ट्रेन में बैठ बैठ जाती होगी थी। अब हम उतरेंगे, पहुँचने वाले हम बैंगलोर। चलो चल रहे। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, अब हम उतर रहे हैं। वाह इतनी खुशी ट्रेन से उतरने की ना, ले है कि नहीं। चलो आगे चलो।
और यहाँ पे ना बहुत कुली लोग भी आते हैं बट लेंगे नहीं भैया सात नंबर में है बैंगलोर और अभी छह मंगल दोस्त है वो पीछे उसके आने का वेट कर रहे हैं और हमारे को छह मंगल दोस्त भी आ गया कैसा रहा फिर आपका सफर वाओ यार इतना बड़ा है बेंगलोर रेलवे स्टेशन तो अभी हम लोग एक्सेलेटर से नीचे उतरेंगे मामा को मैंने अपने पीछे पीछे आओ बोला था और ये है हमारी टैक्सी जो हमको यहाँ से लेके जाएगी वहाँ तक जहाँ से हम लोग बैठेंगे बस में तो बेंगलोर रेलवे स्टेशन से जहाँ सेवंगने लेके जाना है जगह का नाम मुझे नहीं पता तो वहाँ तक हम जाएंगे इस टैक्सी में और ये बहुत बड़ा स्टेशन है यहाँ पे ऑटो वगैरह भी अवेलेबल है आगे जाके पर ऑटो वाला जो ना बहुत ज़्यादा चार्जेस मांग रहा था तो हमने मना कर दिया तो ये वाला ज़्यादा सहूलियत है क्योंकि हम लोग सात लोग अरे वाह Such a beautiful place, Bangalore. जगह पे और अभी यहाँ से हमको मिलेगी बस बस का टाइम है रात के 10 बजे तो अभी टाइम हो रहा है 6:20 तो 9:30 बजे तक हमको यहीं पर ही रहना है तो जिस बस में जाना है हमने उसके ऑफिस में हम लोग बैग वगैरह रख देंगे और उसके बाद हम लोग कुछ खाते पीते हैं बहुत भूख लग रही है खाया भी नहीं ढंग से मैंने तो आज ट्रेन में तो वो होल चल गई मुझे छोड़ के मैं बात करते करते रह गई तो गौरी शंकर टूर एंड ट्रैवल इसमें हमने अपने बैग वगैरह रख दिए से बैग वगैरह रख के आप कुछ खाने जाते हैं हमको भूख लग रही है बहुत भूख मतलब काफ़ी टाइम से बहुत भूख लग रही है और फिर हम बोल रहे थे कि वो हमारे को यहाँ पे जैसे खाते हैं ना वो केले के पत्तों में वैसा वाला खाना खिलाएगा तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वैसा कुछ खाने के लिए सो चलो चलो हम लोग कितने लोग हैं ये देखो ऑलरेडी प्लेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे सबके टेबल के नहीं इसमें इसमें चावल है चावल हाँ रोटी दो पीस बिल्कुल चावल नारियल की चटनी नारियल की चटनी तो आज मैं खा रही हूँ
साउथ इंडियन खाना इन साउथ इंडियन स्टाइल। ये सब्जी है, ये बीन्स की सब्जी है, उसमें वो लगाया है मूंगफली है, मूंगफली है ना। जैसा भी खतरा वैसा खा सकते हैं। डाला सांभर, ये दूसरा, ये पापड़ बहुत यम्मी है, सच में बहुत यम्मी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये है हमारी स्लीपर बस, मैं अपनी लाइफ में पहली बार स्लीपर बस में जाने वाली हूँ। कि इस बस में क्या है, हम सो सो के भी जा सकते, जैसे ट्रेन में सोने वाला होता है वैसे होता है। जैसी ट्रेन में सीट है वैसी ही स्लीपर बस में सीट है। तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसे स्लीपर बस में जा रही हूँ एंड सेम है जैसे ट्रेन है, एक लोअर बर्थ है एक अपर बर्थ है, तो हमारे को जो सारी सीटें वो अपर बर्थ की। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से और लगभग 6 घंटे बाद हम लोग पहुँचेंगे कुशाल नगर, हमको वहाँ तक जाना है। तो रात की 12 बजे पहुँच गए हम लोग कुशाल नगर। रात के 4 बजे हम लोग पहुँच गए कुशाल नगर। यहाँ से हमको जो है ऑटो लेके जाना है जहाँ तक हमको, तो यहाँ से हमको ऑटो लेके जाना है अपने डेस्टिनेशन तक, जहाँ से हमने हमारे लिए रूम देख के रखा है वहाँ तक। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कुशाल नगर जो गुम्पा के पास, एंड अभी जो है हम लोगों को एक रूम है और मामी के ऊपर एक रूम है, 2 रूम है हमारे पास। अब हम लोग यहाँ रेस्ट करेंगे, आज का जो सफ़र है बहुत लंबा रहा हमारा बहुत। तो अपना व्लॉग बस मैं यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड इस चैनल में बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा अभी। तो फिलहाल के लिए बाय, नींद आ रही है।